हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप किस तरीके से आखिरकार घर बैठे बैठे अपने फोन के जरिए ही मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार किस तरीके से आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में हम यही जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको बाहर अपडेट कराने जाना होता है नंबर को, तो कई सारी लंबी लाइंस में लगना पड़ जाता है, कई सारी दुकानों पर घूमना पड़ जाता है। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी लाइन में लगने की, ना ही किसी दुकान पर जाने की। क्योंकि दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जहाँ पर आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को गवाए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से आपको इस नंबर को अपडेट करना है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च करना होगा IPPB। जैसे ही दोस्तों आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सिंपल से आपको सेकंड वाली वेबसाइट IPPB कस्टमर्स पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट करना है, तो सिंपल से आपको आधार मोबाइल अपडेट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आधार मोबाइल अपडेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आधार मोबाइल अपडेट देख सकते हैं, अब दिख गया। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपना मिस्टर मिसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको सेकंड वाले ऑप्शन में अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम। दूसरे वाले ऑप्शन में लास्ट नेम, यानी कि दोस्तों आपका जो सरनेम है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है सबसे मेन चीज़ हमारी, मोबाइल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों जो नया नंबर आप लगाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, वहाँ इस नंबर को डाल दीजिएगा। यानी कि दोस्तों, पुराना नंबर आपको नहीं डालना है, जो नया नंबर आप अपडेट कराना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में दोनों में एड्रेस डाल देना है अपना। उसके बाद दोस्तों, आपको पिन कोड डाल देना है अपना। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ से मैं अपना अब पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे की मेरी सारी डिटेल खुद ब खुद फिल हो जाएंगी। फिल होने के बाद दोस्तों, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे कैप्चा देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बड़े ही ध्यान से इस कैप्चा को भरना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ये कैप्चा गलत हो गया तो दोबारा से हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ जाए, तो यहाँ पर आपका काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये काम बड़े ही ध्यान से करना है। और मैं अगेन आपको दोबारा बता देता हूँ, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वो डालना है जो आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों जो नया नंबर आप लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बड़ी ही आसानी से यहाँ से आप इसको टिक करके कैप्चा को डाल के यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद दोस्तों, 2 या 3 दिन में आपका मोबाइल नंबर बड़ी आसानी से अपडेट हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी लंबी लाइन में लगने की, और ना ही किसी दुकान पर पैसे देकर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराने की। तो दोस्तों, इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी लंबी लाइन में लगने की, ना ही किसी दुकान पर जाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।